वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े खतरनाक से नो शुगर एंड नो घी लड्डू बनाएंगे, फुल ऑफ एनर्जी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। और यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं। ये ड्राई फ्रूट है जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट शामिल है। तो बहरहाल ये 1¼ कप है जिसको अब हम रोस्ट कर लेंगे ड्राई फ्रूट। नट्स देखते के साथ ही सर्दियों का एहसास होता है, खूब एनर्जी और मज़ेदार सी फीलिंग हो जाती है। तो बस अच्छी सी खुशबू आएगी जब तक इसको बड़े अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम है। देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, क्रिस्पी करारे भी हो गए हैं, शानदार सी खुशबू भी आ रही है। अब इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली जो कि है 1/2 कप। अब हमने फ्लेम रखी है मीडियम लो, इसलिए कि पैन हमारा ऑलरेडी गर्म हो गया है। पीनट्स भी हमारी अनसॉल्टेड है एंड अनरोस्टेड है, छिलका भी नहीं निकला हुआ है, छिलके के साथ ही भून रहे हैं। जो आपको पसंद हो ज़्यादा डालें, जो कम पसंद हो कम डालें, और किसी चीज़ को स्किप करना हो तो वो कर सकते हैं। मूंगफली में से भी खुशबू शानदार आने लगी है और क्रिस्पी करारी हो गई है ये भी। तो चले इनको भी निकाल लेते हैं। और अब हमारे पास यहाँ देखें 1/2 कप तिल है, ये ले लेते हैं। इसे भी हमें क्रैकल हो जब तक करना है, अच्छे से रोस्ट कर देना है। ये देखें बादामी कलर होना शुरू हो गया है, तब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मेलन के सीड्स। इसे हम रोस्ट करेंगे 20-30 सेकेंड। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप खोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट, चाहे श्रेडेड ले लें चाहे बुरादा ले लें, मेरा स्वीटेंड है, आप जो भी दिल चाहे ले सकते हैं। तो ये हो गया, इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको चूल्हे से हटा भी देते हैं और ये पीस लेते हैं। अभी हम ये थोड़ा सा निकाल लेंगे इस तरह से कुटा कुटा सा, जैसे 2 टेबलस्पून के आसपास निकाल लेंगे, 2-3 टेबलस्पून। और अब इसको पीस लेंगे इसके साथ ही। ये देखें इस तरह से हमें चाहिए, ऑलमोस्ट दरदरा सा पाउडर ही है। तो ये सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे सेम बर्तन में। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। और यहाँ हमारे पास है खजूरें जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मेरी खजूर बड़ी छोटी सी थी तो मैंने ये 5 लिए, लेकिन बेसिकली आपको जैसे 1/4 कप के आसपास लेनी है। और यहाँ हमारे पास है अंजीर जो कि मैंने 4 ली थी, अब ये भी 1/4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। और अब इनको हम मिला लेंगे अच्छे से। देखिए अभी से कितना यमी लग रहा है। तो ये तो हमारा अच्छे से भुन भुना के पिस पिसा के रेडी हो गया। आ जाते हैं इस पॉट की तरफ, इसको यहाँ ले लेते हैं और चूल्हा इसका हम ऑन करते हैं। फ्लेम रखेंगे मीडियम हाई और इसमें अब हम डालेंगे 1.5 कप गुड़।
तो यहाँ देखिए मेरे पास इतना सॉफ्ट वाला अच्छा सा गुड़ था, तो मेजर करने में मैंने इस तरह से एक लेवल डाला और फिर आधा और भी लिया, तो डेढ़ कप है। अगर आपके पास जैसे सख्त वाला हो तो उसको आप बारीक बारीक काट के फिर मेजर कर लें। इसको डालने से पहले हम डालेंगे अराउंड 5-6 टेबल स्पून पानी और अब गुड़ डाल देंगे। तो बस मैं बताऊंगी इसे कब तक पकाना है हमें। बाय द टाइम ये हमारा गुड़ जो है वो पक रहा है, हम कोई भी एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। देखिए कितने बबल 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 आ गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको टेस्ट करेंगे और एक तार की चाशनी बनानी है तो चेक करेंगे कि ये बन गई है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा उंगली पर लेंगे और यूँ, तो ये देखें बन गई है। तो चूल्हे को करेंगे बंद। तो ये अब हम अपना आमेजा लेके गुड़ में डाल देंगे और अब इसे थोड़ा सा करीब लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम अपनी ग्रीस्ड वाली ट्रे में निकाल लेंगे। थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ग्रीस करने की वजह यही थी ताकि हमारा अमेजा जो है वो चिपक ना जाए। पाँच दस मिनट हो गए, मिक्सचर हाथ लगाओ तो ठंडा हो गया है। तो थोड़ा सा हाथों में ग्रीस कर लेते हैं बिल्कुल हल्का सा, और अब इसके हम बॉल बनाते हैं। मनपसंद साइज ले लें, आपको जो भी आपको साइज पसंद हो वो ले लें। मैं छोटे छोटे बनाऊंगी ताकि ज़्यादा भी खा सकें और कम खाना हो तो कम भी खा सकें। देखिए ये बन गया। और ये देखिए लग ही रहा है हाथों में कितनी शाइन है, और ये लड्डू में भी कितनी शाइन है कि वो मेवे का सारा जो है वो फैटनिंग वो है, जबकि हमने तो घी डाला भी नहीं है। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से बिना घी के बिना शक्कर के हेल्दी हेल्दी लड्डू बन गए। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। अच्छा लग रहा है, दुनिया की सारी नेमतें खतरनाक सी डाल दी है, मिठाई खोया मावा। कातिलाना खतरनाक। माइंड ब्लोइंग, अभी से मुझे एनर्जी फील हो रही है। इस कदर खतरनाक है कि मैं बता नहीं सकती ये आप लोगों के लिए। और देखा कितना सिंपल भी है। वहाँ बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।